पिछले छह साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, बल्कि देश के आम आदमी को एक के बाद एक धोखा दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें, अपना ही पैसा अपने खाते से निकालने की बेबसी और सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। मोदी जी, आखिर आप इस देश को किस बात की सजा दे रहे हैं? आपको दो दो बार जिताया, आपके अजीब अजीब चुटकुलों पर तालियां बजाई, लोगों को हंसी नहीं आ रही थी फिर भी हंसते थे, आपके हर गलत सही फैसले का समर्थन किया। दो बार आपको प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद आप किस बात का बदला इस देश से ले रहे हैं? जहां 2015-16 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे, आज आंकड़ों के साथ आए हैं, हम हर बार आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं ताकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार के मंत्री गुमराह करने की चेष्टा करते हैं वो न कर पाए। वर्ष 2015 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे, 2016-17 में 23,933 करोड़ के बैंक फ्रॉड थे, 2017-18 में 41,167 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए, 2018-19 में 71,500 करोड़ के बैंक घपले हुए और 2019-20 में मार्च 2020 तक 1,43,068 करोड़ के बैंक घपले हुए। ये बैंक घपलों का आंकड़ा एक बार स्पष्ट तौर पे सबको समझ लेना चाहिए ताकि बार बार गुमराह ना कर सकें ये लोग। देश के प्रधानमंत्री एवं देश के वित्त मंत्री से हम यह जानना चाहते हैं कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है। अब मैं आपके आगे क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा जिससे यह मालूम होता है कि मोदी सरकार पिछले छह साल में 7,77,800 करोड़ के ऋण माफ किए, 7,77,800 करोड़ वर द लोन वेवर्स एक्सटेंडेड बाय मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि ग्रॉस बैंकिंग एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वर टू द ट्यून ऑफ 9,10,800 करोड़। ये तमाम आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, शायद वित्त मंत्री को ये आंकड़े नहीं मालूम है, हो सकता है, तो उनको भी मैं चाहूंगा आप में से कुछ ये प्रेस रिलीज उनको भी भेज दें ताकि वो बार बार गलत आंकड़े नहीं पेश करें। अभी छह महीने पहले इस मंच से आपको मेरे कई सहयोगियों ने पीएमसी बैंक फ्रॉड पर भी विस्तृत चर्चा की आपके सामने, जहां मुंबई और अन्य शहरों में, महाराष्ट्र में लंबी लंबी कतारों में लोग अपना पैसा निकालने के लिए खड़े थे, बेबस थे, लाचार थे, सदमे से कई जाने चली गई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, छह ही महीने हुए हैं इस बात को। घर में शादी हो, बीमारी हो, कोई और मजबूरी हो, आवश्यकता हो अपने पैसे की, वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। 6 months ago we witnessed the PMC bank fraud where the depositors were in queues across the state of Maharashtra trying to withdraw their own hard-earned money but were unable to do so. Several people lost their lives out of shock. Yaad kijiye ILNFS ko, us par bhi yahan kai baar charcha hui hai. Ye ek private company jisme videshi nivesh bhi tha, usme aisi economic mismanagement, vittiya avyavastha देखने को मिली, इतने बड़े फ्रॉड्स हुए, बंगलिंग हुई, चीटिंग्स हुई और राउंड ट्रिपिंग हुई, बहुत इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उस पर 1,00,000 करोड़ से ऊपर का एनपीए भी हो गया, फिर भी एलआईसी
और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा उसमें डालकर इस निजी कंपनी को बचाने की चेष्टा की। ONGC जो एक नवरत्ना कंपनी है, मोदी जी ने उस कंपनी के भी 7700 करोड़ रुपए, एक डूबी हुई कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसने 20,000 करोड़ रुपयों का बैंकों का पैसा डुबो दिया था, उसको भी बचाने की चेष्टा इसके माध्यम से की। इससे पहले हमने देखा किस तरह LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 38 करोड़ पॉलिसी धारकों का पैसा IDBI के 51% शेयर्स खरीदने में लगवाया गया, उनसे खरीदवाया गया। वी विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ मिस स्टेप्स टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट टू बेल आउट IL&FS थ्रू LIC एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स आल्सो, टू पुट मनी इन GSPC, अगेन हार्ड अर्न मनी ऑफ आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, टू फोर्स, लिटरली फोर्स द LIC ऑफ इंडिया टू बाय 51% ऑफ IDBI। जो बीमा के जो नियम होते हैं, उन नियमों के तहत बीमा कंपनी किसी भी कंपनी में 15% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती, वो अलाउड नहीं है। तो फिर मोदी सरकार ने रेगुलेटर की मार्फत LIC को मजबूर किया कि वो 51% खरीद ले IDBI का, डूबते हुए एक IDBI का। आखिर क्या मजबूरी है आपकी, क्यों इतनी वित्तीय अप्रबंधन हो रहा है और आप आम आदमी का, मेहनत का पैसा क्यों डुबो रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने कल यस बैंक को अपने नियंत्रण में लिया और एक सीमा बांध दी खाता धारकों पर कि 50,000 से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वापस नहीं निकाल पाएंगे अपना ही पैसा। यस्टरडे द RBI सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ यस बैंक एंड प्लेस्ड अ कैप ऑन विड्रॉल्स, अ कैप ऑफ 50,000 रुपीज ऑन विड्रॉल्स फॉर द डिपॉजिटर्स ऑफ देयर ओन मनी। देश यह जानना चाहता है कि जब मई 2019 से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि यस बैंक के बोर्ड पर था या नहीं था। सबको मालूम है मई 2019 में RBI का एक प्रतिनिधि उस बोर्ड पर आ गया था, वो अब तक क्या कर रहा था, स्थिति यहां तक क्यों आई कि खाता धारकों को लाइन में लगना पड़ जाए। जब यस बैंक के शेयर्स भारी मात्रा में अब से कुछ महीनों पहले बिके थे, तब क्या वार्निंग सिग्नल्स या कोई चेतावनी के स्वर आपको नहीं सुनाई दिए? तब क्या कदम उठाए गए? ये आनन फानन में कदम उठाना और उन कदमों का खामियाजा एक आम खाताधारक को भुगतना पड़े, क्या यह है आपकी वित्तीय प्रबंधन? सिंस मे 2019 देयर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द RBI ऑन द बोर्ड ऑफ यस बैंक। What was that representative doing? Didn't the government hear the warning shots when there was a sudden spurt in sale of shares of Yes Bank? Why is it that you suddenly witness a knee-jerk reaction which takes a toll on the peace of mind, on the security of the money of the depositors? वित्त मंत्री से तो कुछ पूछना ही बेकार है। आपको तो याद होगा प्याज के बारे में जब बात होती थी, कहते थे मैं प्याज खाती ही नहीं हूं। अब उनसे अगर यस बैंक पे कोई पूछ ले तो कहे मेरा तो खाता ही नहीं यस बैंक में, मैं तो SBI में है, क्या भरोसा। तो उनसे तो कुछ पूछना हम बेकार ही मानते हैं। जब देश का राजा अनाड़ी हो, अज्ञानी हो, उसके वजीर चारों तरफ के अनाड़ी और अज्ञानी हो, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते। यस बैंक की बारे में मैंने सुना, अभी वित्त मंत्री जी बता रही थी कि ये UPA के वक्त के ऋण हैं। उनकी ऋण पुस्तिका देख लीजिए। यस बैंक की ऋण पुस्तिका अगर आप देखेंगे तो मार्च 2014 में जो ऋण 55,633 करोड़ था, मार्च 2015 में 7500 करोड़ था, 75,000 करोड़ था, माफ कीजिएगा,
मार्च 2016 में 98,000 करोड़ था, मार्च 2017 में 1,32,000 करोड़ था, मार्च 2018 में 2,30,000 करोड़ था। बताइए ये वृद्धि कैसे हुई? वित्त मंत्री जी की भाषा में ही उनसे पूछें तो किसके चाचा ने किसके भतीजे को ये ऋण दिलवाया? ये क्या सोचते हैं सब अज्ञानी हैं इनकी तरह कि जो बोल देंगे लोग चुपचाप से हजम कर लेंगे और मान लेंगे। इट इज पॉइंटलेस टू आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर निर्मला सीतारमन। दिस इज द फर्स्ट एंड आई होप द लास्ट कैबिनेट फुल ऑफ क्लूलेस मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज क्लूलेस, हिज मिनिस्टर्स आर क्लूलेस एंड वी आर टोल्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट टॉलरेट एफिशिएंट पीपल अराउंड हिम।